नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी खंड में शुद्ध अशुद्ध वाक्य एवं वर्तनी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने पहले भाग में जो पुराने प्रश्न पत्रों में प्रश्न आए हैं उनका प्रामाणिक हल देखा, और आज इसी श्रृंखला में आज दूसरे भाग में हम लोग जो है कुछ अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेंगे, और उनमें मुख्यतः वाक्य की क्या त्रुटियां हैं, उनको कैसे सुधारा जाए और अशुद्ध वाक्य को आप पहचाने कैसे, ये पूरा जो है हम इस सीरीज में देख रहे हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स बैच, जो कि वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है, जिसमें आपको सभी टॉपिक्स के, जो सिलेबस के अनुसार व्यवस्थित टॉपिक्स हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, टेस्ट सीरीज दी जाती है, और बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से डिस्कशन, टेस्ट और सपोर्ट प्रदान किया जाता है। तो कोर्स में तीन कैटेगरीज हैं, आप जो है जिसमें भी चाहें उसमें जुड़कर हमारे साथ एक संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर है 9506742546 पर, RO फाउंडेशन कोर्स लिखकर आप भेज सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला वाक्य हमारा है जो अशुद्ध वाक्य है, दो पूड़िया सेक दो। तो जैसा कि आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या अशुद्धि हो सकती है, दो पूड़िया सेक दो। पूड़ियों के लिए सेकना शब्द या क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यानी यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्ध है। रोटियां जो होती हैं उनको सेका जाता है, लेकिन जो पूड़ियां होती हैं उनको सेका नहीं जाता है। तो पूड़ियों के लिए सीधी सीधी क्रिया का प्रयोग होता है कि पूड़िया बना दो। तो इसमें किस तरह की अशुद्धि है, इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि या त्रुटि है, और सेकने के स्थान पर बनाने का प्रयोग यहाँ पर किया जाना उचित होगा। अगला वाक्य हम पढ़ेंगे जो कि अशुद्ध है, सारे देश भर में यह बात फैल गई। तो इसको अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे सारे शब्द का भी प्रयोग किया गया है और देश भर में भर का भी प्रयोग किया गया है। सारे और भर दोनों जो है एक जैसा ही अर्थ रखते हैं, यानी कहने का अर्थ यही है कि चाहे आप सारे का प्रयोग कर सकते हैं या देश का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं देश भर में यह बात फैल गई, या दूसरी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि सारे देश में यह बात फैल गई, लेकिन देश भर जो है शब्द ये ज्यादा सटीक है इसके साथ में। तो देश भर में यह बात फैल गई, ये इसका बिल्कुल शुद्ध जो है रूप होगा। अगला वाक्य लेते हैं, उसका प्राण निकल गया। अब यहां पर देखिए आप जो है उसका प्राण निकल गया, तो प्राण शब्द के साथ निकल गया का प्रयोग होगा या नहीं होगा, यही यहाँ पर एक विचारणीय बिंदु है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप अशुद्धि का प्रकार पहचानेंगे तो ये एक वचन संबंधी अशुद्धि, क्योंकि प्राण क्या होते हैं, प्राण हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इसका जो है जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, उसके प्राण निकल गए, यानी क्या है, ये एक वचन संबंधी अशुद्धि है जहां पर प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसीलिए निकल गया के स्थान पर निकल गए होना चाहिए। इसी प्रकार अगला जो है वाक्य देखेंगे जो कि अशुद्ध है, मेरा प्राण सूख गया। अब यहां पर भी सेम कंडीशन लागू होगी, प्राण जो है क्योंकि बहुवचन के रूप की तरह प्रयोग होता है हर जगह, इसलिए मेरा प्राण की जगह मेरे प्राण होना चाहिए और सूख गया की जगह सूख गए। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं, इनका आपको हमेशा ध्यान देना है। अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि अशुद्ध है, अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर पढ़ने पर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि विश्वविद्यालय, अनेक विश्वविद्यालय हैं जिनके कई सारे कर्मचारियों ने मिलकर हड़ताल की है। तो जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वचन संबंधी अशुद्धि, क्योंकि विश्वविद्यालय की जगह क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालयों, जो कि हम अनेक की बात कर रहे हैं कि कई सारे विश्वविद्यालय हैं, तो हम लिख सकते हैं अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। अब जो है ये वाक्य जाकर शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं जो कि अशुद्ध है, भोजन बहुत सुंदर बना है। तो भोजन जो है सुंदर वस्तु नहीं होती, भोजन को जो है सराहने के लिए या भोजन की गुणवत्ता बताने के लिए हम अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है स्वादिष्ट। तो
तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, ये यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखने की बात है, स्वादिष्ट और स्वादिष्ट दो तरह के शब्द होते हैं, दोनों समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका जो है स्थान विशेष पर जो है प्रयोग किया जाता है, जिसको समझ लीजिए अच्छे से। तो सुंदर के स्थान पर स्वादिष्ट होना चाहिए, क्योंकि स्वादिष्ट जो है भोजन की विशेषता बताने के लिए उपयुक्त शब्द है, क्योंकि भोजन को चखने से, खाने से उसके बारे में विशेषता पता चलेगी, उसको देखने से उसकी सुंदरता के आधार पर उसके स्वाद की गुणवत्ता को नहीं बताया जा सकता है। उसके बाद जो है स्वादिष्ट और स्वादिष्ट की बात कर लेते हैं, तो स्वादिष्ट का प्रयोग रोचक संदर्भों में होता है जो है, और जो स्वादिष्ट होता है इसका भोजन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला अशुद्ध वाक्य जो हमारा है, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। अब यहां पर भी आप देखिए प्राण का प्रयोग हुआ है, प्राण जो है जैसा कि पहले बताया गया है कि क्या है, एक बहुवचन है, तो प्राण के साथ जो है जो क्रिया आएगी जो भी सब कुछ जो है बहुवचन में प्रयोग होगी, तो क्या इसका सही हो जाएगा, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, तो यहां पर जो है बहुवचन के रूप में इसको प्रयोग किया जाना चाहिए था। अगला जो है सेंटेंस हम देखते हैं जो कि अशुद्ध है, मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। तो यहां पर आप देखिए पूजनीय शब्द जो है अपने आप में पहले ही गलत होता है, त्रुटिपूर्ण होता है, इसकी वर्तनी अशुद्ध होती है। इसके स्थान पर जो है या तो पूज्या हो सकता है या पूजनीया हो सकता है, लेकिन पूजनीय जो है शब्द अपने आप में वर्तनी में त्रुटिपूर्ण होता है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। तो पूजनीय शब्द का प्रयोग जो है हम शुद्ध वर्तनी में नहीं करते हैं, इसके स्थान पर पूजनीय शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए था। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां पर दो आधे आधे सेंटेंस हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि दो छोटे सेंटेंस हैं लेकिन वो आपस में जुड़ते हुए नहीं प्रतीत हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, और बीच में हम कॉमा लगा देंगे। देखिए इस तरह से इसको लिखा जाएगा शुद्ध रूप में, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। तो इसमें जो है जो सर्वनाम का प्रयोग पहले किया गया है और संज्ञा का प्रयोग बाद में हुआ था, जो कि व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होता है, हमेशा पहले जो है संज्ञा का प्रयोग होना चाहिए, उसके बाद जो है सर्वनाम का प्रयोग किया जाना चाहिए था। अगला जो है सेंटेंस देखेंगे जो कि अशुद्ध है, एक फूलों की माला चाहिए। तो आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं कि एक फूल की कोई भी माला नहीं बन सकती, लेकिन सेंटेंस जो है क्या कह रहा है, एक फूलों की माला चाहिए, यानी यहाँ पर पदक्रम की गलती है, जो एक है ये आगे प्रयोग ना होके कहा होना चाहिए था, फूलों की एक माला चाहिए, यहां पर अगर इसका प्रयोग होता तो ये बिल्कुल सही होता। तो इसको इस प्रकार से सही लिखेंगे हम, फूलों की एक माला चाहिए। अगला अशुद्ध वाक्य हमारे सामने है, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। अभी बड़ा सेंटेंस है, इसको ध्यान से पढ़िए तभी आप इसकी गलती को समझ पाएंगे। तो यहां पर गलती कहाँ पर हो रही है, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने, अब किताब से मुंह उठाकर, किताब से मुंह उठाकर नहीं, मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। किताब को दो बार यहां लिखने की आवश्यकता ही नहीं, पहले ही बता दिया गया है कि वो किताब पढ़ने में तल्लीन है, किताब में जो है वो बिल्कुल मस्त है, किताब को पढ़ रहा है, तो किताब से मुंह उठाकर नहीं, मुंह उठाकर उसने मेरी तरफ देखा, ये यहां पर सेंटेंस सही होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा, ये इसका जो है करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। अगला शुद्ध वाक्य देखेंगे, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। अब मन जो है वैसे भी एक अंदरूनी है, और कोई भी बात होती है वो मन के अंदर होती है, तो यहां पर जो है जो उपसर्ग का प्रयोग किया, सॉरी जो परसर्ग का प्रयोग किया गया है के अंदर, इसकी जो है कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यहां पर क्या लिखना चाहिए, मेरे मन में
मेरे मन के अंदर की जगह मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, तो ये अपने आप में सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला अशुद्ध वाक्य देखेंगे, आपकी महान कृपा होगी। अब जो है कृपा के साथ महान लगा है, लेकिन महान जो है ये अपने आप में क्या है, ये त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, आपकी महती कृपा होगी। महान के स्थान पर महती का प्रयोग किया जाना यहाँ पर उचित होगा। अगला अशुद्ध वाक्य हमारे सामने है, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर कैसी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है। लिंग संबंधी अशुद्धि को कैसे हम पता लगाते हैं, अगर कई सारे कर्ता होते हैं और उनमें जो अंतिम कर्ता होता है उसके अनुसार जो है क्रिया का लिंग निर्धारित होता है। अब इसको सही कैसे करेंगे, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रही है, यानी अंतिम कर्ता इसमें क्या है, एक बकरी है। तो एक बकरी से रिलेट करते हुए हम लिखेंगे मैदान में हरी घास चर रही है, क्योंकि जो अंतिम कर्ता होता है उसके लिंग के अनुसार ही जो है क्रिया का प्रयोग किया जाना उचित होता है। अगला सेंटेंस लेंगे, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, स्वयं स्वयं का मतलब भी आत्म होता है यानी सेल्फ, और आत्म का मतलब भी सेल्फ होता है यानी स्वयं। तो स्वयं या आत्म में एक ही जो है बात आप लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर स्वयं को हमको हटाना पड़ेगा। तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर का मतलब ही है कि स्वयं पर निर्भर होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखेंगे, बच्चों से गुस्सा ना करो। अब यहां पर से का प्रयोग आप देख रहे हैं गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पर कारक जो है वो गलत लगाया गया, बच्चों से नहीं, बच्चों पर गुस्सा ना करो, ये यहां पर इसका सही रूप होना चाहिए। फिर अगला जो है सेंटेंस देखते हैं, मैं गुरु जी से श्रद्धा करता हूं। तो श्रद्धा करता हूं गुरु जी से, ये भी जो है यहां पर क्या है, गलत है। यहां पर जो है सही क्या होना चाहिए, गुरु जी में मेरी श्रद्धा है, तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या मैं गुरु जी का आदर करता हूं। तो वाक्य में श्रद्धा के स्थान से श्रद्धा जो लिखा था, गुरु से श्रद्धा, उसके जगह गुरु में श्रद्धा होना चाहिए था। और चूंकि किसी में श्रद्धा रखी जाती है ना कि किसी से श्रद्धा की जाती है, तो अगर हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं तो उसको लिख सकते हैं गुरु का आदर करना। अगला अशुद्ध वाक्य है, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कई बार इस तरह के सेंटेंस जो है कई अलग अलग रूपों में पूछे गए हैं और सभी में सौभाग्यवती ही जुड़ा रहता है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई अविवाहित कन्या है तो उसके साथ सौभाग्यवती का प्रयोग नहीं होता, सौभाग्यवती का प्रयोग हमेशा विवाहिता के साथ ही किया जाता है। तो सौभाग्यवती यहां पर नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह यहां पर आयुष्यमती लिखा जा सकता है या सौभाग्यकांक्षिणी जो है लिखा जा सकता है। तो यहां पर आयुष्यमती या सौभाग्यकांक्षिणी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ज्यादा उचित होगा। अगला अशुद्ध वाक्य आपके सामने है, मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं पते से, तो पते से की जगह पते पर होना चाहिए, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे। अब यहां पर क्या गलती होनी हो सकती है, तो अधिकांश विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है, एक लिविंग एंटिटी है, तो इसके साथ अधिकांश का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है अधिकतर का प्रयोग ज्यादा उचित होना चाहिए होता है। तो अधिकतर विद्यार्थी शांत रहे, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे समझिएगा, इस तरह से फिर जो है प्रश्न आपके सामने आ सकता है। अधिकांश शब्द यहां पर त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जहां अधिक भाग का प्रयोग होता है वहां अधिकांश का प्रयोग करते हैं, जबकि जहां गणना के योग्य होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी अगर एक कक्षा में है तो वो एक निश्चित संख्या में होंगे, इसलिए वहां पर अधिकतर का प्रयोग करते हैं। और जहां पर लिविंग बींग की बात की जाती है वहां पर अधिकांश की जगह अगर गणना योग्य है वो इंटिटी, तो अधिकतर का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला अशुद्ध वाक्य हमारे सामने है, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है।
तो यहाँ पर क्या गलती हो सकती है, यहाँ पर देखें स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसकी जगह हानिकारक, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये शब्द यहाँ पर जो है बिल्कुल उचित होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे जो कि अशुद्ध है, विद्यालय के लड़के गेंद खेल रहे थे, तो विद्यालय में जो लड़के होते हैं वो लड़के नहीं कहलाते हैं, उनको हम छात्र या विद्यार्थी कह सकते हैं, तो ये सेंटेंस में जो है लड़के का प्रयोग यहाँ पर गलत है, तो विद्यालय के छात्र गेंद खेल रहे थे ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यालय के संदर्भ में छात्र ही ज्यादा उचित शब्द होता है। अगला, मेरे को बुलाया, अब देखिए मेरे को तेरे को इस तरह के जो शब्द होते हैं ये कहीं भी सर्वनाम की दृष्टि से उचित नहीं होते हैं, भले ही जो है किसी क्षेत्र विशेष में इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हो तो ये यहाँ पर गलत है, मेरे को जगह जो है मुझे मुझे बुलाया ये बिल्कुल सही होगा, और ये व्याकरण की दृष्टि से सही है, बोलचाल की दृष्टि में मेरे को तेरे को इस तरह की कई जगह की रीजनल लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है जो कि गलत है। अगला अशुद्ध वाक्य देखते हैं, धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता होगा। अब आत्मा जो है वो मृतक ही होगी, क्योंकि उसके साथ मृतक जोड़ने का कोई भी प्रयोजन नहीं है, वो कि गलत है, तो धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की आत्मा को कितना संताप होता होगा, ये जो है इसका सेंटेंस बिल्कुल सही है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ये भी एक प्रश्नवाचक सेंटेंस था, तो यहाँ पर पूर्ण विराम की जगह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए था। अगला अशुद्ध वाक्य आपके सामने है, प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है, अब यहाँ पर आप देख पढ़ रहे होंगे ध्यान से तो आपको अटपटा लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पदक्रम की है उसकी अशुद्धि है, ये प्रत्येक जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री है, अगर इसको इस तरह से हम लिखें पद के क्रम को ठीक करके, शब्दों के क्रम को ठीक करके, तब ये वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। अगला अशुद्ध वाक्य क्या है, उस पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा, तो यहाँ पर जो है उत्साह शब्द क्या होता है, उत्साह शब्द जो है अच्छे संदर्भों में प्रयोग होता है कि जो है कोई अच्छा कार्य किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है सेंटेंस पढ़ने से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि एक निगेटिव कार्य है, एक ये अनुचित कार्य है, इसलिए उत्साह शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, उसकी जगह क्या प्रयोग होगा, दुस्साहस, उस प्रतिवता को छूने का दुस्साहस कौन करेगा, ये जो है इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, यह घी की शुद्ध दुकान है, अब यहां पर भी जो है घी की शुद्ध दुकान है, ऐसा पढ़ने में लग रहा है कि दुकान शुद्ध है और घी के बारे में कोई बात नहीं की जा रही, तो कुल मिलाकर यहां भी पदक्रम की अशुद्धि है, यह शुद्ध घी की दुकान है, ये जो है इसका बिल्कुल सही ऑर्डर है जिसमें ये अरेंज होगा, तभी एक सार्थक सेंटेंस जो है कहलाएगा। अगला सेंटेंस इसी प्रकार है आपके सामने, देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, अब यहां पर जितनी आप पढ़ रहे होंगे तो अटपटा लग रहा होगा, देश की इतनी होना चाहिए, देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, ये जो है बिल्कुल सही होगा, तो देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला शुद्ध वाक्य है, सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी, अब यहां पर जो है प्रत्येक सदस्यों, अब यहाँ पर प्रत्येक का भी प्रयोग कर रहे हैं जिसका मतलब जो है बहुवचन है, यानी एक से अधिक लोग थे, कई सारे लोग थे, तो यहाँ पर सदस्यों को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ पर सदस्य से भी काम चल जाएगा, सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी, ये बिल्कुल जो है यहाँ पर सही सेंटेंस हो जाएगा। अगला वाक्य देखेंगे, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है, अब सर्वश्रेष्ठ अपने आप में ही उत्तमावस्था है, मतलब ये सबसे अच्छे के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर है, तो सर्वश्रेष्ठ के साथ अच्छा लिखा हुआ इसका कोई औचित्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सीधा सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य लिखना चाहिए कि वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, यानी उस कक्षा में उससे अच्छा कोई दूसरा भी छात्र नहीं है, ये जो है उत्तमावस्था का सेंटेंस हो गया। अगला शुद्ध वाक्य है,
प्यार और घृणा मनुष्य जीवन का प्रभावी संवेदनाएं हैं। तो प्यार आप देख रहे हैं गलत है, ये क्या है, प्यार होना चाहिए। इसी प्रकार से घृणा गलत है, घृणा होना चाहिए। प्रभावी लिखा है, ये गलत है, ये क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। तो ये पूरा सेंटेंस में बहुत सारी जो है त्रुटियां हैं वर्तनी की। प्यार और घृणा मनुष्य जीवन की प्रभावी संवेदनाएं हैं, ये बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया। अगला शुद्ध वाक्य है, शराब पीना विष से भयंकर है। अब विष से भयंकर है, यहाँ भयंकर का कोई जो है सेंस नहीं होता, क्योंकि भयंकर तुलना वाला कोई शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ। तुलनात्मक रूप से हम क्या कह सकते हैं कि शराब पीना विष से हानिकारक है। भयंकर से जो है केवल उसकी भयावह स्थिति का पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर शराब पीना और विष में क्या चीजें हैं, दोनों ही जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो तुलना के लिए हानिकारक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए था। अगला शुद्ध वाक्य है, उन्होंने मुस्कुरा दिया। अब उन्होंने मुस्कुरा दिया, ऐसा तो कोई जो है यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पर क्या लिख सकते थे, वे मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनके लिए कहा जाता वे मुस्कुरा दिए, उन्होंने मुस्कुरा दिया की जगह वे मुस्कुरा दिए। सूरदास अनेक पद लिखे हैं। अब सूरदास अनेक पद लिखे हैं, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। पद लिखे नहीं जाते हैं, पदों की क्या होती है, रचना होती है। तो सही सेंटेंस कैसे होगा, सूरदास ने अनेक पदों की रचना की या की है, पूरा लिख सकते हैं पद रचना की, इतना भी सेंटेंस पर्याप्त है। अगला वाक्य आपके सामने है, अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए। अनेकों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, क्योंकि अनेक स्वयं में ही बहुवचन शब्द है, इसमें अनेकों इसको जो है बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुवचन का सेंटेंस हो जाएगा। अगला, हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। अब यहाँ पर जो है एक शपथ के नीचे कोई नहीं इकट्ठा होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटि है। हम एक ध्वज, जैसे कहते हैं ना कि एक बैनर के नीचे हम, तो एक ध्वज के नीचे इकट्ठा की जगह इसका बहुवचन हो जाएगा, इकट्ठे हुए हैं। तो हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए हैं, अब ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नायक का पति विदेश में है, तो नायक का पति कैसे हो सकता है, हमेशा पति होगा तो नायिका का होगा ना, नायिका का पति स्वयं में नायक होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि की गई है, और इसको सही कैसे किया गया है, नायिका का पति विदेश में है, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, वह विलाप करके रोने लगी। विलाप का अर्थ ही है रोना, तो विलाप भी करना और रोना एक साथ प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे, वह विलाप करने लगी या वह रोने लगी, विलाप हटा दीजिए तो वह रोने लगी, ये भी सही हो जाएगा। तो विलाप करने और रोने का एक ही अर्थ है, इसलिए एक साथ उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसके बाद अशुद्ध वाक्य आपके सामने है, अपने को यहां से जाने की कोई जल्दी नहीं है। अब यहां पर आप देख रहे हैं अपने को, भले बोलचाल में इस तरह से सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए कर दिया जाता है, अपने हमारे, लेकिन ये जो है व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो अपने को की जगह क्या हो जाएगा, मुझे, मुझे यहां से जाने की कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। अब यहां पर देखिए आप, केवल भी आ रहा है, मात्र भी आ रहा है, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है, तो एक ही का प्रयोग होना चाहिए। या तो हम लिख सकते हैं तुम केवल बोलना जानते हो, या हम लिख सकते हैं तुम बोलना मात्र जानते हो। तो हम यहाँ पर क्या इसको सेंटेंस को सही कर रहे हैं, तुम केवल बोलना जानते हो, क्योंकि केवल और मात्र जो है एक ही जैसे अर्थ रखने वाले दो शब्द हैं। अगला सेंटेंस हमारे सामने है, हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। अब हमारे ऊपर पूज्य पिता, यहाँ पर पूजनीय शब्द फिर गलत लिखा है, या तो पूज्य होता है या पूजनीय होता है, ये शब्द सही होता है, या पूज्य लिख सकते हैं। तो हमारे इसको सही कैसे करेंगे, हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, 100 रुपया सधन्यवाद प्राप्त हुआ। तो 100 रुपया
यहां पर आप देखिए 100 रुपया को हम क्या लिखेंगे, 100 रुपये लिखेंगे, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद, इस तरह से लिखेंगे, सा धन्यवाद प्राप्त हुआ ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि सा धन्यवाद का मतलब ही है कि धन्यवाद के साथ प्राप्त हुआ, तो इसके धन्यवाद सहित लिख सकते हैं, और इसलिए इसको हम सही तरीके से लिखेंगे, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। अगला अशुद्ध वाक्य है, हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे, तो यहां पर मूर्ति का दर्शन नहीं किया जाता, मूर्ति को देखा जाता है, तो हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे, ये यहां पर होना चाहिए। और दूसरी चीज आपको ध्यान देना चाहिए, यहां पर देखिए मूर्ति, मूर्ति जो लिखा है वो गलत है, क्या सही शब्द होता है मूर्ति, इस तरह से इसको लिखा जाता है, वर्तनी की त्रुटि यहां पर है, तो दर्शन के स्थान पर देखना हो जाएगा, और मूर्ति जो शब्द लिखा था उसको मूर्ति लिखेंगे। अगला सेंटेंस हमारे सामने है, शाहजहां ने सड़क को बनवाई, अब शाहजहां ने सड़क को बनवाई, इसकी जगह क्या सही सेंटेंस हो जाएगा, शाहजहां ने सड़क बनवाई, को का प्रयोग यहां करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो सीधा सीधा लिखेंगे शाहजहां ने सड़क बनवाई। अगला अशुद्ध वाक्य है, भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो पहली चीज निरपराधी शब्द जो है ये अपने आप में वर्तनी की दृष्टि से गलत है, इसकी जगह सही क्या होता है, निरपराध शब्द सही होता है। तो सेंटेंस हम कैसे सही करेंगे, भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो निरपराधी की जगह निरपराध शब्द जो है बिल्कुल ठीक होता है वर्तनी की दृष्टि से। अगला सेंटेंस, दरवाजे का ताला टूटा देख मैं सशंकित हो उठा, तो सशंकित हो उठा की जगह यहां पर क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दरवाजे का ताला देख टूटा देखेगा तो पहले उसको आश्चर्य वाला भाव आएगा, तो दरवाजे का ताला टूटा देख मैं आश्चर्यचकित हो गया, ये यहां पर जो है बिल्कुल सही सेंटेंस होगा, क्योंकि सशंकित के स्थान पर आश्चर्यचकित होना चाहिए, क्योंकि घटना के बाद परिणाम पर आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, जबकि घटना के पूर्व अगर कोई परिणाम की आशंका व्यक्त की जाती है तब वहां पर सशंकित या शंका वाला कोई शब्द सशंक या शंकित जो है प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है सशंकित जो शब्द है ये भी ध्यान लीजिएगा, सशंकित यहाँ पर प्रयोग वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सशंकित का मतलब क्या है, शंका के साथ, तो उसकी जगह अगर हमको प्रयोग भी करना है तो हम लिखेंगे सशंक या शंकित हो उठा, उसमें से एक शब्द लिखेंगे, सशंकित जो है वर्तनी की दृष्टि से भी गलत है। अगला अशुद्ध वाक्य है, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो जो बाजार में साप्ताहिक अवकाश होता है उसको अवकाश न कह के उसको हम क्या कहते हैं, बंदी कहते हैं, तो बाजार में जो साप्ताहिक बंदी है वो सोमवार को होती है, क्योंकि यही प्रचलन में शब्द होता है, वहां पर अवकाश का प्रयोग नहीं किया जाता है। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, अब यहां पर गत का प्रयोग हुआ है, यानी क्या बता रहा है कि ये भूतकाल की बात हो रही है, और यहां पर लिखा है जाएगा, यहां पर भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा, क्या होना चाहिए, गत रविवार वह मुंबई गया, या गत को हटा देंगे, रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो इस तरह से सेंटेंस को भी करेक्ट किया जा सकता है। अगला शुद्ध वाक्य हमारे सामने है, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है, अब यहां पर उच्चतम का प्रयोग हुआ है, उच्चतम क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन हमारा कंपैरिजन क्या है, दो चोटियों में हमारा कंपैरिजन है, तो दो चोटियों में जो है क्या होना चाहिए, हमारी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए, तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, उच्चतर होगी ना कि उच्चतम होगी, तो क्या सेंटेंस हम लिखेंगे, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है, ये जो है इसका बिल्कुल सही जो है प्रयोग होगा, और यहां पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, हो सकता है मैं बताने में भूल जाऊं, हमेशा अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहां पर जो है अगर प्रश्न है सेंटेंस में तो पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना ही लगाना है, उसके बिना भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि केवल वर्तनी की ही अशुद्धि देखनी है, लेकिन विराम चिन्ह जो होते हैं वो भी जो है वाक्य का ही एक अनन्य हिस्सा है, और उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला,
इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। अब आयु का प्रयोग हमेशा उम्र बताने के लिए नहीं करते हैं। आयु के स्थान पे या तो हम उम्र लिख सकते हैं या अवस्था लिख सकते हैं। वैसे अवस्था लिखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमारी जो है साहित्यिक भाषा है, हिंदी भाषा है मूल रूप से। तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, सीधा सीधा हम ये लिखेंगे। आयु का प्रयोग नहीं किया जाता है उम्र बताने के लिए। आयु के स्थान पे उम्र या अवस्था होना चाहिए, क्योंकि आयु का प्रयोग जो है पूरे जीवन काल के लिए होता है, संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है। जैसे कहेंगे कि वो 90 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई, तब वहां पर आयु का प्रयोग उचित है। लेकिन अगर आपसे अभी आपकी एज के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका अर्थ जो है उम्र या अवस्था होना चाहिए। अगला अशुद्ध वाक्य आपके सामने है, आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला। अब यहाँ पर सधन्यवाद का मतलब ही है कि धन्यवाद सहित, और यहाँ पर सहित भी लिखा हुआ है, तो एक का आपको हटाना पड़ेगा। या तो लिखेंगे आप आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, या आपका पत्र सधन्यवाद मिला। तो अब इसको कैसे हम सही तरीके से लिखेंगे, आपका पत्र मिला धन्यवाद, क्योंकि पत्र आपका धन्यवाद सहित मिल ही नहीं सकता। धन्यवाद तो आप दे रहे हैं, पत्र देने वाला नहीं दे रहा है, इसलिए इसको भी अलग करना पड़ेगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद। अगला शुद्ध वाक्य है आपके सामने, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। तो बात को स्पष्टीकरण नहीं करना है, बात का स्पष्टीकरण करना है। तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, और स्पष्टीकरण के साथ जो है करना का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि स्पष्टीकरण में ही करना छुपा है। यानी स्पष्टीकरण को अगर अलग अलग करें हम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट करना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। और अगर हम स्पष्टीकरण लिख रहे हैं, तो यहां पर करने की जगह देना लिखा जाएगा, तब ये जो है सेंटेंस शुद्ध होगा। अगला शुद्ध वाक्य है हमारे सामने, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। अब यहां पर मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, कृतज्ञ का प्रयोग यहां पर आवश्यकता ही नहीं थी। इसको कैसे हम लिख सकते हैं, यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूं, उसके बाद जो है पूर्ण विराम सॉरी कॉमा, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। कृतज्ञ के स्थान पर आभारी होना चाहिए। कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला, मेरा नाम श्री मोहन जी है। अब स्वयं का आप परिचय करा रहे हैं, उसमें सम्मान सूचक शब्द अपने लिए ही जोड़ रहे हैं, तो वो ऐसे भी जो है अशोभनीय है, और व्याकरण की दृष्टि से भी गलत है। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा, मेरा नाम मोहन है, इतना ही यहां पर पर्याप्त है। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, यानी पानी ठंडा हो ना हो, घड़ा ठंडा होना चाहिए, पढ़ के ऐसा ही लग रहा है। तो यहां पर क्या है, पदक्रम की अशुद्धि है, घड़े का ठंडा पानी, यहां पर ठंडा जो है बाद में आना चाहिए था, तो घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, अब ये सेंटेंस सही हो गया। अगला सेंटेंस लेते हैं इसी प्रकार, माली एक फूलों की माला लाया। फिर वही बात यहां पर लिखी है जो पहले हमने दोहराई, एक फूल की कोई माला नहीं बन सकती है, यानी एक यहां पर कहना चाहिए फूलों की एक माला लाया, यहां पर माला के पहले इसका प्रयोग होना चाहिए था, तो माली फूलों की एक माला लाया, ये इसका जो है करेक्ट सेंटेंस हो गया। अगला जो है सेंटेंस देखते हैं, आप कभी भी आओ मैं आपसे मिलूंगा। तो आप का प्रयोग आप कर रहे हैं, यानी आप एक सम्मान सूचक शब्द यहां पर लिख रहे हैं किसी के लिए, किसी का आप सम्मान करते हैं, फिर आप लिख रहे हैं आओ, तो ये जो है उसके साथ उचित नहीं है। यहां पर भी आपको आदर सूचक शब्द ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम, आप कभी भी आइए मैं मिलूंगा, तब ये जाकर सही होगा। तो आदर सूचक या सम्मान सूचक शब्द जो होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अगला, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। अब यहां पर आपका नहीं होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, क्योंकि यहां पर आपका स्थान के जो है दर्शन शब्द जो है बहुवचन शब्द है, तो यहां पर आपके दर्शन शब्द आना चाहिए। अगला, वर्षा में ना जाने कितने बेशुमार जीवन उत्पन्न होते हैं। अब यहां पर कितने शब्द का प्रयोग हुआ है, और बेशुमार, बेशुमार का मतलब भी जो होता है मल्टीपल, यानी कई सारे, और कितने का अर्थ तो वही होता है, ये कितने कई सारे, तो एक साथ दोनों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। तो वर्षा में ना जाने कितने जीवन उत्पन्न होते हैं, ये जो है यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट होगा। अगला, वह घोड़े में सवार था। यहां पर क्या है, पर्सर की गलती, कारक की। घोड़े में सवार का मतलब पढ़ने में लग रहा है घोड़े के अंदर सवार, तो घोड़े के अंदर कोई नहीं सवार होता, घोड़े पर सवार था, तो वह घोड़े पर सवार था, ये जो है यहां पर सही शब्द होगा। वह आरोग्य हो गया। अब यहां पर क्या कहा गया है, वह आरोग्य हो गया। आरोग्य मतलब होता है जो है जिसमें कोई रोग ना हो, लेकिन यहां पर क्या हो, उसके स्वास्थ्य के बारे में, मतलब सीधा जो है शब्द जो होना चाहिए कि वह स्वस्थ हो गया। आरोग्य के स्थान पर स्वस्थ का प्रयोग होना चाहिए, ना कि आरोग्य का। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हमने कुछ जो है वाक्यों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको सॉल्व किया। मुझे लगता है कि आप अब समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या गलतियां इन सेंटेंस में हैं, और इससे मिलते जुलते ही आपसे वाक्य पूछे जाते हैं हमेशा घुमा फिरा कर। इसीलिए अगर आप मौलिक गलतियों को पहचान लें कि क्या मूल गलतियां वाक्यों में दी जाती हैं, तो आगे आपसे जब भी कोई वाक्य पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को स्पष्ट रूप से पहचान सकेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद।